अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो उसके लिए आज हम यहाँ पे तिरंगा सब्जी बनाएंगे। और ये तीनों सब्जी ऐसी है जो हम सबको बहुत ही पसंद होती है, और जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर ढाबा में जाते हैं तो ये तीनों सब्जी हम ज़रूर मंगवाते हैं। तो चलिए तिरंगा सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सबकी फेवरेट पनीर मखनी सब्जी बनाएंगे, और ये जो पनीर मखनी सब्जी है वो हम सबकी बहुत ही फेवरेट है। तो तिरंगा में पहला जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज कलर के लिए हम पनीर मखनी सब्जी बनाएंगे। पैन में हम 2 चम्मच इतना ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए इसमें 1 बारीक कट किया हुआ ग्रीन चिली, 4 से 5 लहसुन और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे। अब इसमें कुछ खड़े मसाला ऐड करेंगे, तो 4 से 5 लौंग, 5 से 6 काले मिर्च, 1 तेज पत्ता, 2 सूखे लाल मिर्च, 2 हरी इलायची और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ऐड करेंगे। उसी के साथ हम इसमें 1 चम्मच जितना मेलन सीड्स और 5 से 6 जितने काजू ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें 2 मीडियम साइज रफली कट की हुई प्याज ऐड करेंगे, और इसे हम 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे ताकि इसकी जो रोनेस है वो चली जाए। प्याज हल्की सी सौते हो जाए उसके बाद हम इसमें 2 रफली कट किए हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, तो 1 चम्मच इतना रेड कश्मीरी चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच इतना नमक ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन ढक के हम इसे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक कि जो टमाटर है वो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद हम ग्रेवी को चेक कर लेंगे कि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाए उसके बाद हमने जो इसमें खड़े मसाले ऐड किए थे वो हम निकाल देंगे, और इसके बाद हम इसे मिक्सचर जार में ऐड करके इसकी एक फाइन प्योरी बना के प्रिपेयर कर लेंगे। पनीर मखनी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 2 चम्मच जितना ऑयल ऐड करेंगे और उसी के साथ 1 चम्मच जितना बटर। जैसे ही ये हल्का सा गर्म हो जाए 1/2 चम्मच जितना जीरा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च ऐड करने के बाद हम तुरंत ही ग्रेवी ऐड कर देंगे, नहीं तो जो हमारा लाल मिर्च है वो जल जाएगा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्सर जार में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके जो भी बची हुई ग्रेवी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इस ग्रेवी को हम करीबन 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अभी जो ग्रेवी है वो पक गई है, तो इसमें ड्राई मसाला ऐड करेंगे, तो 1/2 चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, हमने नमक पहले भी ऐड किया था तो यहाँ पे हम थोड़ा कम डालेंगे, 1 चम्मच जितना गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी जो ये ग्रेवी है वो थोड़ी सी कम स्पाइसी है, तो इसमें मैं 1/2 चम्मच जितना रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पनीर मखनी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें 100 ग्राम जितना रफली कट किया और पनीर ऐड कर देंगे। अब 1 चम्मच जितना इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम सब्जी को 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हम सबकी फेवरेट पनीर मखनी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब लास्ट में सब्जी में थोड़ा सा ग्लेज आए इसके लिए हम 1 चम्मच इतना बटर ऐड करेंगे। आप इसमें बटर ऐड नहीं करना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें 1 से 2 चम्मच जितनी फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें घर की जो ताज़ी मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस स्पेशल तिरंगा सब्जी में पहली हमारी ऑरेंज कलर की पनीर मखनी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे वाइट कलर की सब्जी बनाएंगे। तो वाइट कलर की सब्जी में हम खोया काजू बनाएंगे, और ये जो खोया काजू है वो हम सबकी बहुत ही फेवरेट होती है, और ये जो सब्जी है वो थोड़ी सी स्वीट होती है। तो इसके लिए हमें एक वाइट ग्रेवी प्रिपेयर करनी है। तो बाउल में हम 20 से 25 जितने काजू ऐड करेंगे और 3 चम्मच जितना मेलन सीड्स ऐड करेंगे। अब इसमें 100 ml जितना हल्का सा जो गुनगुना दूध होता है वो ऐड करेंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट बन के तैयार हो जाए।
तो अभी हमारे काजू और मेलन सीड्स से वो सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसकी एक फाइन प्योरी बना के प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट हम पैन में 2 चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होता है, इसमें हम 1 कप जितना काजू ऐड करेंगे और इसे हम धीमी आंच पे सैलो फ्राई कर लेंगे। तो अभी जो काजू है वो अच्छे से सैलो फ्राई हो गए हैं, तो इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी पैन में जो बचा हुआ घी था, उसमें हमने जो काजू मगरतरे की पेस्ट बना के प्रिपेयर की थी वो ऐड करेंगे और उसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे ये सब्जी बनाते समय गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखनी है, ताकि जो हमारी सब्जी है उसमें एक स्मूथ टेक्सचर आए और एक भी लम्स ना पड़े। तो अभी हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इस ग्रेवी में मैंने टोटल 100 ml जितना दूध का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारी वाइट ग्रेवी है वो एकदम स्मूथ बन के तैयार हो गई है। तो इसमें हम 2 चम्मच जितना खोया ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोया काजू जो सब्जी है वो खोए के बिना अधूरी है। इसमें आप रेडीमेड खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर में से भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारी वाइट ग्रेवी है वो परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो गई है। आधा चम्मच जितना कार्डमम पाउडर, 1/8 teaspoon दालचीनी पाउडर और आधा चम्मच जितना ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 2 चम्मच जितनी पीसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। इसमें आप शुगर की मात्रा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग टू कम और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें 1/4 teaspoon जितना सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो ये स्वीट सब्जी होती है इसमें नमक की मात्रा बहुत ही कम होती है। यहाँ पे जो मेरी ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो मैं इसमें थोड़ा दूध ऐड कर रही हूँ। तो अभी जो हमारी परफेक्ट वाइट ग्रेवी है वो बनके तैयार हो गई है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें फ्राई किए हुए काजू ऐड कर देंगे। इसमें से हम 4 से 5 जितने काजू को बचा के रहने देंगे, ताकि हम इसे बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे हमारी त्रिरंगा स्पेशल वाइट कलर के लिए खोया काजू सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ग्रीन कलर के लिए पालक पनीर सब्जी बनाएंगे। और ये जो पालक पनीर सब्जी है वो हम सबकी फेवरेट होती है। तो सबसे पहले हम पैन में 2 से 3 चम्मच इतना ऑयल ऐड करेंगे और उसी के साथ 1 चम्मच इतना बटर। जैसे ये दोनों हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद आधा चम्मच इतना जीरा ऐड करेंगे। जैसे ही जीरा चटक जाए, इसमें हम 2 से 3 चम्मच इतनी बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और उसी के साथ हम इसमें 1 चम्मच इतनी चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो अभी जो प्याज है वो हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच इतना बारीक कट किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ड्राई मसाला ऐड करेंगे, तो 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच इतना गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मसाले हैं वो जल ना जाए, इसीलिए हम इसमें 1/4 cup जितना पानी ऐड करेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट बनके तैयार हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी स्टेज पे हम पालक की प्योरी ऐड करेंगे। तो मैंने पालक को पहले ब्लांच कर लिया था और इसे मिक्सर जार में ऐड करके इसकी प्योरी बना के यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ग्रेवी को हम 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। तो अभी जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से पक गई है, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें 100 ग्राम जितना रफली कट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब्जी को हम करीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो सारे मसाले हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। सब्जी का टेस्ट और भी एनहांस करने के लिए इसमें 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारी क्विक एंड इजी पालक पनीर सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें 1 से 2 चम्मच जितनी हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। तो त्रिरंगा स्पेशल पालक पनीर सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो हमारी यहाँ पे तीनों कलर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हम ऑरेंज कलर की सब्जी को सर्व करेंगे, यानी कि जो हमारी पनीर मखनी सब्जी है उसे। दूसरा हम यहाँ पे वाइट सब्जी यानी कि हमारी जो खोया काजू सब्जी है उसे सर्व करेंगे। और तीसरी पालक पनीर सब्जी यानी कि ग्रीन सब्जी। तो यहाँ पे हमारी ये तीनों सब्जी बहुत ही कलरफुल लग रही है, तो आप भी इंडिपेंडेंस डे पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये तीनों सब्जी में से आपकी सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।